Hi, today is 1st of June 2020. Let us have a quick brief of today's newspaper, The Hindu. आज के पेपर में हम ये सारे essential topics पढ़ने वाले हैं. First is about stay more vigilant than ever. Prime Minister ने अपने address मन की बात में ये कुछ बातें यहाँ पे mention की है. Then second is about amendments on new map tabled in Nepal Parliament. अभी ये जो cold neighborhood में हम ongoing article देख रहे थे, Lipu Lake and all, इसमें Nepal ने अभी एक नया map अपने parliament में table किया है. We'll get to know about this. Third is about intolerance against judiciary is growing. It is a very very good observation. कल हमने पढ़ा था character of an institution is reflected in its leader. इसी पे ongoing में जुडिशरी सीनियर जजेस ने एक यहाँ पे कुछ कमेंट्स पास किए हैं. विल गेट टू नो उनके ऑब्जर्वेशंस को हम समझेंगे. देन फोर्थ इज अबाउट स्पेस एक्स स्पेस क्राफ्ट सक्सेसफुली डॉक्स विद दिस ISS. ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक प्राइवेट सेक्टर ने यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस पे पहुँचाया है. देन फिफ्थ इज अबाउट लॉक्यूस्ट नॉन केमिकल मेजर्स हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए. पेस्टिसाइड्स और जो इंसेक्टिसाइड्स हैं इनका इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट में. लॉक्यूस्ट अटैक के बैकड्रॉप में विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस न्यूज़. सिक्स्थ इज अबाउट ओपन विद कॉशन. अब हम अनलॉक वन फेजेस में आ गए हैं. अनलॉक वन अभी इम्प्लीमेंटेड है, इसमें हमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है. देन सेवन्थ इज़ अबाउट लैंड ऑफ द अनफ्री. दिस इज़ अबाउट US में अभी जो क्लैशेस हो रहे हैं, ये क्यों इतना ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों से अपनी सोसाइटी अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करें और स्ट्रेंथन करें प्लूरलिस्ट इथोस. देन एट्थ इज़ अबाउट द डिमिंग ऑफ अ चाइनीज स्ट्रॉन्ग मैन ऑरा. हमने इसमें देखा था 1949 से जो चाइना का दिस PRC केम इन फॉर्मेशन, माओ ज़ेडोंग, कुओमिंटोंग, देन डेंग ज़ियाओपिंग एंड देन शी जिनपिंग. हम समझेंगे शी जिनपिंग अभी क्या क्राइसिस यहाँ पे फेस कर रहे हैं. नाइन्थ इज़ अबाउट अ फैंटम कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये काफ़ी इल्यूजनरी है, प्रॉपरली डीमार्केटेड नहीं है और उसके कारण इतने सारे चैलेंजेस होते हैं. इट्स टाइम फॉर यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोग्राम इन द बैकड्रॉप ऑफ COVID-19. सर्ज इन रेस्क्यू ऑफ वाइल्ड लाइफ ड्यूरिंग लॉकडाउन. एक्सेलेंट न्यूज़ आइटम. इसमें लिखा है कि कैसे COVID-19 ने हर किसी को इम्पैक्ट किया है, इवन वाइल्ड लाइफ को भी. यहाँ हम बात करेंगे अर्बन वाइल्ड लाइफ की. देन ट्वेल्थ इज़ अबाउट साइक्लोन ब्रूइंग इन अरेबियन सी. नेचुरल डिजास्टर्स ख़त्म ही नहीं हो रहे. अब की बार अम्फन आया था बे ऑफ बंगाल में, अब यहाँ है अरेबियन सी और यहाँ पे एक नया साइक्लोन अभी ब्रू हो रहा है. देन थर्टेंथ इज एजुकेशन प्लस बिलीव इन योर सेल्फ विल हैव सम टिप्स ओवर हियर. देन फोर्टेंथ इज वर्ल्ड सेक्शन, USA रिलेटेड सम न्यूज़ आर हियर. देन फिफ्टेंथ इज अबाउट दिस गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, तुतिकोरिन और यहाँ पे एक नया स्पीशीज मिला है, रेयर स्कॉर्पियन फिश मिला है अलाइव. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज आर्टिकल्स इन नेक्स्ट 35 to 40 मिनट्स. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट, प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट किए हैं. जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के स्टैंड आउट्स या फिर जो स्टैंड होता है या फिर इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ के ऑफिशियल सर्कुलर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस लाइक RBI या CAG या CEC, CVC, CBI, ये जो इंस्टीट्यूशनल हेड होते हैं, अगर दे आर सेइंग समथिंग वी शुड पे अटेंशन. तो प्राइम मिनिस्टर एड्रेस, ऑफिशियल इंटरव्यू, गाइडलाइन, डायरेक्शन. अनलॉक 1.0 में इन्होंने कहा है कि फेज्ड ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी इज रिक्वायर्ड. वी शुड नॉट बी केयरलेस इन अवर फाइट अगेंस्ट कोरोना. वी हैव टू कंटिन्यू टू फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग एंड अदर प्रोटोकॉल बिकॉज देयर इज नो वैक्सीनेशन. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. वैक्सीनेशन अभी कम से भी कम 1-1.5 साल दूर है. इवन प्रेसिडेंस ऑन हाउ टू कॉम्बैट दैट डिसीजेस भी हमारे पास ऐसा नहीं है. दिस इज सबके लिए ये पहली दफ़ा हो रहा है. किसी ने अपनी लाइफ में ऐसा क्राइसिस पहले नहीं देखा, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर एवरी वन. यहाँ पे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि COVID-19 के बैकड्रॉप में प्रैक्टिशनर्स, रिसर्चर्स, अकेडमिशियंस की एक पैनल ऑफ हेल्थ एक्सपर्ट एंड सोशल साइंटिस्ट होना चाहिए. कॉम्प्रिहेंसिव डेटा इज रिक्वायर्ड, इससे डिसीजन मेकिंग होती है. क्लस्टर स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन इज रिक्वायर्ड. जहाँ बहुत ज़्यादा केसेज आ रहे हैं वहाँ पर हम ये अप्रोच करें. रूटीन हेल्थ सर्विसेज जो हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी लेवल पर, इनको हमें स्टार्ट करने की ज़रूरत है बिकॉज COVID-19 इज़ नॉट दी ओनली डिसीज़. देन रैपिड स्केलिंग अप की ज़रूरत है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की. हम 5% ऑफ GDP भी यहाँ पे एक्सपेंडिचर हम कर सकते हैं. देन SARI एंड ILI पेशेंट्स थ्रू क्लिनिकल इंस्टीट्यूशंस टू आइडेंटिफाई दिस हॉटस्पॉट्स. और स्टेट्स लैगिंग बिहाइंड ऑन टेस्टिंग है, वी नीड टू रैम्प इट अप. दिस इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस.
अब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया रेलवेज पे. वी रेड अबाउट रेलवे अ कपल ऑफ डेज बैक कि रेलवे एक फैब्रिक ऑफ दिस कंट्री बिल्ड करता है. तो अगेन इसको यहाँ पे हाईलाइट किया है, दिस इज इम्पॉर्टेंट. रेलवेज और उसका रोल इन इंडियन सोसाइटी इज इम्पॉर्टेंट. देन आयुष्मान भारत यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी यहाँ पे काफ़ी उन्होंने मेंशन किया है. ट्राई टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस आयुष्मान भारत यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम. ये अगेन COVID-19 के बैकड्रॉप में जैसे अभी हालात है उसमें ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. देन पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स के ओपिनियन है. सी एडमिनिस्ट्रेटिव लेसन्स हैं यहाँ पे. यहाँ ऐसा बोला जा रहा है, इन पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा कि जो इनडेफिनेट लॉकडाउन हमने किया शुरुआत में, जो स्ट्रेटजी किया, इससे काफ़ी हार्म भी हुआ है. सो एडमिनिस्ट्रेटिव लेसन्स क्या है यहाँ पे कि से जैसे माइग्रेंट वर्कर्स इशू था तो यहाँ पे पुअर प्लानिंग हुआ. प्लाइट प्लस अब हम इनको श्रमिक एक्सप्रेस से अपने घर भेज रहे हैं तो दे कुड बिकम अ कैरियर टू रिमोट एरियाज, COVID-19 कैरियर. सो प्रॉब्लम ये है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेसन्स ये हैं कि गवर्नमेंट रिलाइड ऑन मॉडलर्स और थ्योरेटिशियंस. ये जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में जो मॉडलर्स हैं और जो थ्योरेटिशियंस हैं इन पे गवर्नमेंट ने ज़्यादा रिलाई किया रादर देन फील्ड लेवल इपिडेमोलॉजिस्ट, जो ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहा है, फर्स्ट हैंड वर्क कर रहा है, उसके बजाय इन थ्योरेटिशियंस पे गवर्नमेंट ने ज़्यादा रिलाई किया. ये जो ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हैं ना, हु आर बेटर एक्वेंटेड विद द डिसीज ट्रांसमिशन एंड डायनामिक्स. तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेसन, इनकी बात हमें हमेशा सुनना चाहिए जो ग्राउंड लेवल फ्रंट स्टाफ है. गवर्नमेंट वॉज प्राइमरली एडवाइज बाय दिस क्लिनिशियंस एंड एकेडमिक एपिडेमोलॉजिस्ट जिनके पास लिमिटेड फील्ड ट्रेनिंग एंड स्किल्स है. रियल जो ग्राउंड लेवल रियलिटी है उसमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है. सो दैट इज़ ऑल्सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी ऐसा बोला जा रहा है कि जो इनिशियली हमारे डिसीजंस थे वो थोड़े बेटर लिए जा सकते थे. देन दिस इज़ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, डिसीज स्प्रेड हुआ और ये इकोनॉमिक की हार्डशिप्स भी हैं. यहाँ ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट शुड रैपिडली स्केल अप पब्लिक हेल्थ एंड एलोकेट एटलीस्ट 5% ऑफ GDP टू हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर. ये जो इनकोहरेंट होता है या फिर ऑफन रैपिडली शिफ्टिंग स्ट्रैटेजी होता है, पॉलिसीज होता है, स्पेशली नेशनल लेवल पे, ये बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं होती है, ये काउंटर इफेक्टिव होती है. आफ्टर थॉट जो होते हैं, कैचिंग अप जो एटीट्यूड है, फिनोमिनन बाय द पॉलिसी मेकर रादर देन अ वेल थॉट कोजेंट स्ट्रैटेजी विद एन एपिडेमोलॉजिकल बेसिस, ये यहाँ पे हम लैक हो गए. वेरी वेरी गुड लाइंस. इनकोहरेंट ऑफन रैपिडली शिफ्टिंग स्ट्रैटेजी, ये बैकफायर होती है यूजुअली. सो दिस इज अबाउट स्टे होम मोर विजिलेंट देन एवर अनलॉक 1.0. नाउ we need to write a short note on this Ayushman Bharat Universal Health Insurance Scheme. This is important. Then second is amendment on new map tabled in Nepal Parliament. Again ये जो issue है, ये जो neighbors हमारे cold हो रहे हैं, this is not going in right direction. अल्ट्रा नेशनलिज्म यहाँ पे राइज हो रहा है. वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस. नेपाल ने बीफ अप कर दिया बॉर्डर सिक्योरिटी. अभी जो हमें एक नया लिंक रोड बनाए थे कैलाश मानसरोवर यात्रा के बाद, इसके बाद नेपाल ने ऑब्जेक्शंस उठाए. ट्रीटी जो 1816 की सागोली ट्रीटी है, दीज ऑल थिंग वी डिस्कस्ड इन 23rd ऑफ मे. देन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यहाँ पे डिक्लेयर किया कि नो, इंडिया का 1816 की ट्रीटी के बाद से इंडिया यहाँ राइटफुली यहाँ पे इंडिया के अंडर में है ये सारा एरिया. नेपाल में मीनवाइल वहाँ पे भी COVID-19 क्राइसिस है और डाइवर्जनरी टैक्टिक्स की भी यहाँ पे बात हुआ. देन एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ, पोलाइटनेस नहीं था और उसके कारण ये टोन थोड़ा और एग्रेसिव होता जा रहा है. मीनवाइल नेपाल ने एग्रेसिव स्टांस लिया और न्यू मैप पब्लिश कर दिया. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं और दे आर ट्राइंग टू फॉर्मलाइज द न्यू मैप. ये एरिया है लिम्पिया अधूरा, लिपुलेक और कालापानी, इसको स्ट्रैटेजिक सिल्वर कहा है. करेंटली ये पार्ट ऑफ पिथौरागढ़ है डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में. राइज ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म वी कैन सी इन नेपाल एंड दिस इज़ अ कॉज ऑफ बिग कंसर्न. ये हम अगले आर्टिकल में भी समझेंगे. देन ये जो मधेशी वहाँ पर है नीचे, यहाँ तराई एरिया में रहते हैं, दे आर हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज भी रहे हैं. 2015 में यहाँ एजिटेशन भी हुआ. सो दिस इज़ द टाइम वी शुड नॉट फॉरगेट द स्पेशल रिलेशनशिप. इंडिया में हमेशा से ओपन बॉर्डर रहा है, फ्री मूवमेंट रहा है नेपाली पीपल का इंडिया में, और इतने हिस्टोरिकल सेंचुरीज ओल्ड रिलेशनशिप है, वी शुड बी वेरी केयरफुल. लेट सेन वॉइसेस टेक चार्ज. ये लेट सेन वॉइसेस टेक चार्ज, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर. देन थर्ड इज इनटॉलरेंस अगेंस्ट जुडिशरी इज ग्रोइंग. यहाँ पे भी कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं इन्होंने बताया. जस्टिस संजय किशन कौल सुप्रीम कोर्ट जज हैं ये. इन्होंने बताया कि ये एक नया प्रेसिडेंट स्टार्ट हो गया है सोसाइटी में कि ग्रोइंग इनटॉलरेंस है अगेंस्ट द जुडिशरी फ्यूल्ड बाय सोशल मीडिया पोस्ट.
इम्प्यूटेशंस वर बीइंग मेड अगेंस्ट जजेस. जजेस के बारे में यहाँ पे रिमार्क्स एंड अननेसेसरी फैक्ट बेस्ड नहीं होते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन होता है और वो यहाँ पे पास ऑन होता है. दिस गोज अगेंस्ट जजेस फॉर देयर डिसीजन. ये डैमेज करता है, डैमेज वॉज डन टू द जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस इफ द टेंडेंसी टू क्रिटिसाइज क्रॉस्ड सर्टेन लाइन्स. यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस कि द कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडर. अच्छे लीडर्स होते हैं तो अच्छा इंस्टीट्यूशन होता है, अच्छे इंस्टीट्यूशंस रॉबस्ट बन जाते हैं तो वो दे कीप ऑन प्रोड्यूसिंग गुड लीडर. तो ये दोनों वे, टू वे है ये, अच्छे लीडर्स अच्छे इंस्टीट्यूशंस, अच्छे इंस्टीट्यूशंस अच्छे लीडर. जैसे आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन प्रोड्यूसिंग दिस गुड ऑफिसर्स एंड ऑल, ISRO एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन बन गया है तो यहाँ पे सी एक्सेलेंट लीडरशिप निकल के आती है यहाँ से. सो दिस इज़ टू वे थिंग. यहाँ इस इंस्टीट्यूशंस को हमें वीकर नहीं करना चाहिए. फ्रीडम ऑफ स्पीच इन टाइम्स ऑफ COVID-19. COVID-19 के बैकड्रॉप में हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, फंडामेंटल राइट भी है, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच और फेक न्यूज़ और जो मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपोगेंडा हो जाता है ये बहुत ज़्यादा डैमेज करता है. सो फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेज दिस फेक न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन. यहाँ इन्होंने कहा क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो इन्फॉर्मेशन बट बाउंड्रीज नीडेड टू बी मेड और इफ सच क्रिटिसिज्म बिकम पार्ट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन तो ये किसी भी सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है. इन दी एंड जजेज एंड ऑल दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग और सिस्टमेटिकली अगर हम इस तरीके से प्रोपोगेंडा होता है और मिस इन्फॉर्मेशन होता है, हेट्रेड होता है, ये क्या करता है, कलर करता है जजमेंट को. सो इफ यू मिसट्रस्ट एवरी सिस्टम देन यू डू नॉट हैव अ सिस्टम एंड ऑल यू हैव इज एनार्की. सो दैट इज़ वाई हमें इंस्टीट्यूशंस को वीक नहीं करना है. वी शुड हैव सर्टेन फेथ इन अवर जुडिशरी एंड दिस इंस्टीट्यूशंस. जो कलेक्टिव विजडम होती है इतने बड़े बड़े लोगों का, इतने एक्सपीरियंस पीपल हैं, वी शुड हैव सर्टेन ट्रस्ट. एंड ये इतना क्विक टेम्पर्ड भी नहीं होना चाहिए, क्विकली डिसीजन भी नहीं होना चाहिए, प्रिजुडाइज नहीं होना चाहिए. दिस डू मोर हार्म. सो फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़रूरी है बट एट द सेम टाइम फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन भी दोनों में ये नहीं करेक्ट है. फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करें. सो वॉट आर योर ऑब्जर्वेशन. इनटॉलरेंस अगेंस्ट जुडिशरी इज़ ग्रोइंग. ये जो सिस्टम है इसको हमें वीकन नहीं करना चाहिए. देन दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़. स्पेस एक्स स्पेस क्राफ्ट सक्सेसफुली डॉक्स विद दिस ISS. ये एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ पे सेंड किया है. इट मार्क्स द डॉन ऑफ अ न्यू एज. एक नया एज आया है कि पहली बार कमर्शियल स्पेस ट्रेवल हुआ है यहाँ पे. एक प्राइवेट दिस कंपनी स्पेस एक्स टेस्ला एंड ऑल इसने यहाँ पे सेंड किया है. फर्स्ट प्राइवेट कंपनी है टू लॉन्च पीपल इनटू द ऑर्बिट. इससे पहले US रशिया और चाइना ही ये फीट कर चुके हैं. स्पेस एक्स का ये जो ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट है, दिस ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट, इसमें 2 नासा के एस्ट्रोनॉट्स थे. सक्सेसफुली डॉक हुआ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में. हिस्टोरिकल लॉन्च था कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से एंड मार्किंग द डॉन ऑफ द न्यू एज इन कमर्शियल स्पेस ट्रेवल. इंडिया भी पीछे नहीं है. सेल्फ रिलायंट इंडिया में हमने कहा था हमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना है स्पेस एक्टिविटीज़ में. वी कवर्ड दिस इन 5 सीरीज ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया. वेरी इंपॉर्टेंट गगनयान, चंद्रयान, मंगलयान और ये कैसे स्पेस का भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन हमें इंक्रीज करना है. मेक एन ओपिनियन ऑन दिस प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन स्पेस एक्टिविटीज़. ये क्यों इंपॉर्टेंट है और ये इस टाइप के सी डेवलपमेंट भी हो रहे हैं USA में जहाँ स्पेस एक्स एंड ऑल आर हेल्पिंग आउट दिस नासा. सो इंडिया में भी क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे यहाँ प्राइवेट कंपनीज कैपेसिटी डेवलप करें और वो हेल्प आउट करें ISRO को. मेक एन ओपिनियन, शेयर योर ओपिनियन. देन दिस इज़ पेज नंबर 2. ये पेज नंबर 2 है. दिस इज़ पेज नंबर 3. दिस इज़ पेज नंबर 4. ये लॉक्यूस्ट अटैक एक बहुत बड़ा थ्रेट बनता जा रहा है. इसको भी हम कंटिन्यूसली कवर किया है हमने 28th को, 23rd ऑफ मे को इन प्रीवियस वीडियोस कि ये लॉक्यूस्ट अटैक कैसे आता है. मेलाथियन, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड हम स्प्रे करके इन्हें वार्ड ऑफ करने की कोशिश करते हैं. ये डिवास्टेटिंग वेव ऐसे इनिशिएट होती है बिकॉज चेंज इन क्लाइमेट हो रहा है. सो दैट यहाँ पे वार्म ज़्यादा है, यहाँ पे लॉक्यूस्ट का ब्रीडिंग ज़्यादा हो रहा है और ये जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है यहाँ पे थ्रेट बढ़ रहा है. एनवायरनमेंट, पेस्टिसाइड. नाउ यहाँ बात अब हम करते हैं कि जो साइड इफ़ेक्ट्स है, वी डिस्कस दिस यस्टरडे संडे को ही हमने पढ़ा था. नाउ साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एरियल स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स. अभी हम क्या कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं, पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. तो हियर यहाँ पे दिस एनवायरमेंटल कंजर्वेशनिस्ट और एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट एंड ऑल ने यहाँ पे कंसर्न्स रेज किया है कि व्हाई वी आर डूइंग दिस. हमें बायोलॉजिकल और नॉन केमिकल मेजर्स भी यूज़ करने चाहिए रादर देन हैजार्डस केमिकल मेजर्स. जो
नॉन पॉल्यूटिंग रहे एयर के लिए, वाटर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए एंड फूड चेन के लिए. सो कीप दिस एंगल ऑल्सो इन माइंड कि ये जो पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स हैं इससे लॉक्यूस्ट अटैक तो हम वार्ड ऑफ कर लेंगे बट दे देमसेल्फ आर वेरी डैमेजिंग टू अवर एनवायरनमेंट. सो लॉक्यूस्ट कंट्रोल गवर्नमेंट को बोल रहे हैं डू नॉट इग्नोर नॉन केमिकल मेजर्स एज वेल. देन दिस इज पेज नंबर 5. This is page number 6. This is editorial. Open with caution. Open with caution. यहाँ पे बात है एक resumption की ज़रूरत है economic activity का, वो essential है. But जो vigil of the virus है must remain traumatic. यहाँ पे हमें ज़रूरत है कि हम virus जो है इसके against alert भी रहें. हम resumption कर रहे हैं economic activity को but we must remain. But the vigil of virus must remain. यहाँ severe restrictions हैं. इस सीवियर रिस्ट्रिक्शंस जैसे लॉकडाउन जो स्टार्ट हुआ था हमारा, वहाँ पे ट्रॉमेटिक डिस्प्लेसमेंट हुआ माइग्रेंट वर्कर्स का. इसने चेक ऑन जो इन्फेक्शन है उस पर भी कोई बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं हुआ. अभी भी 2 लाख अप्रोच कर रहा है हमारे यहाँ COVID-19 के केसेस. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, जो पहला अभी हमने स्टार्टिंग में आर्टिकल देखा वहाँ पे भी एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि जो फील्ड एक्सपर्ट्स होते हैं, एपिडेमोलॉजिस्ट हैं, जो ग्राउंड रियलिटी दे रहे हैं, वी नीड टू लिसन टू देम. अनलॉक 1 जो है ये केयरफुल रीस्टार्ट ऑफ एक्टिविटी है. डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड एवरीडे एक्टिविटीज रिज्यूम हो रही है इंक्लूडिंग हेल्थ सर्विसेज. स्टेट्स मस्ट शो डिलीजेंस. डिलीजेंस दिखाने की ज़रूरत है इन एक्टिवली टेस्टिंग एंड क्वारंटाइनिंग इंडिविजुअल्स. हाफ हार्टेड अप्रोचेज जो होती है टू इम्प्लीमेंट द मेजर्स मैंडेटेड बाय से नेशनल डायरेक्टिव में यहाँ पर बताया है कि जो हाफ हार्टेड अप्रोचेज होती है ये यूजफुल नहीं होती है. नेशनल डायरेक्टिव ऑफ COVID-19 मैनेजमेंट में कहा है कि फेस कवर होना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग करना है, स्पिटिंग नहीं करना है. बट अगर इन सब चीज़ों को हमने फॉलो नहीं किया अच्छे से तो ये क्राइसिस और वर्जन हो जाएगा. वी नीड टू परसुएड पीपल बिकॉज चेन उतना ही स्ट्रांग होता है जितना उसका एक इंडिविजुअल लिंक होता है. सो वी नीड टू परसुएड पीपल टू अडॉप्ट अ हेल्दी पब्लिक बिहेवियर कोड यूजिंग मेजर्स दैट आर सिविल येट फर्म. सिविल येट फर्म, वेरी वेरी गुड लाइन. देन जेन्युइनली हमें यूनिवर्सल PDS इज रिक्वायर्ड. नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड. सर्वे ऑफ वर्कर एंड माइग्रेंट. डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो हमें डेटा प्रिपेयर करना चाहिए सर्वे एंड ऑल ताकि हम इनका फिगर नंबर पता करें और इसके अकॉर्डिंग पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकें. जो एल्डरली और वल्नरेबल हैं इनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है. वीक्स अहेड बाय नो मीन्स प्रेडिक्टेबल. मतलब अब जो टाइम आ रहा है से जून है, से इनफैक्ट जुलाई भी है, आगे ये 2 लाख केसेज हैं, ये कितनी तेज़ी से बढ़ेंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, ये क्या रूट होगा, वी डू नॉट नो. सो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है यहाँ पे. अनलॉक 1 जो है इसमें प्रायोरिटाइज किया हमने सम एक्शंस, लाइक हमें पब्लिक अवेयरनेस करना है, वायरस इज प्रेजेंट, लोगों को बताना है वायरस इज प्रेजेंट, रैंप अप टेस्टिंग करें, प्रोवाइड करें हेल्थ सर्विसेज और इंटेंसिवली मॉनिटर करें रिलीफ मेजर्स. सो दीज आर सर्टेन स्टेप्स. इफ इन एनी क्वेश्चन यू आर आस्क्ड कि क्या स्टेप्स लेने हैं तो सी दीज आर द पॉइंट्स. ये सारे ऐसे हमें एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है. देन दिस इज लैंड ऑफ द अनफ्री. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हमने पढ़ा यहाँ पे रेशियलिज्म जो है ये यहाँ पे काफ़ी इसके अगली फेसेस यहाँ पे उभर के आए हैं. यहाँ पे अटलांटिक सेव ट्रेड हमने NCERTs में पढ़ रखा है, 9th and 10th वी हैव कवर्ड. देन 16th to 19th century में चला, सिविल वॉर हुआ, 13th Amendment हुआ, देन सिविल राइट्स मूवमेंट हुए. वहाँ पे एम्फेसाइज किया कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इनइक्वालिटी है, ये अनफेयर है. यहाँ अक्सर पुलिस एट्रोसिटीज़ भी होती है और यहाँ पे फिर दिस जॉर्ज फ्लॉयड केस हो गया. अभी तो अमेरिका इज़ इन ग्रेट नीड ऑफ दिस लेजिस्लेटिव रिफॉर्म दैट सपोर्ट्स अ प्लूरलिस्ट इथोस. सी बेसिक्स में अगर हम पढ़ते हैं, से हमने 10th का NCERT पॉलिटी पढ़ा, इफ़ यू हैव फॉलोड, वहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल लिए थे. एक लिया था श्रीलंका का और दूसरा लिया था बेल्जियम का. दोनों में प्लूरलिस्ट सोसाइटी थी, दोनों ने रास्ते अलग ट्रैवल किए और सी बेल्जियम का ग्रोथ और श्रीलंका किस में चला गया था, सिविल वॉर में वो पुश हो गया था. बहुत ब्यूटीफुली NCERTs एंड ऑल में बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताया है कि व्हाई डू वी नीड दिस प्लूरलिस्ट सोसाइटी. डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग क्यों इतना ज़रूरी होता है. यहाँ पे अमेरिका में बिकॉज अमेरिका इज़ ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, नाउ अमेरिका में ये इश्यूज़ अभी आ रहे हैं. हमें समझना चाहिए एज अ मैच्योर इंडिविजुअल एंड अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया कि ये जो हेट स्पीचेस होते हैं, ये जो भाषा होती है ना, ये सबसे बड़ा हथियार होता है. वर्ड जो होता है ना, ये बहुत डैमेज करता है. सो ऑलवेज बी वेरी केयरफुल विद द चॉइस ऑफ वर्ड्स. ये हेट स्पीचेस हैं, हेट क्राइम्स हैं,
फेक न्यूज़ है, ये जो टॉक्सिक पब्लिक डिस्कोर्स है, या फिर ये जो वर्बल वॉयलेंस जो करते हैं, डिजिटल वॉयलेंस जो है, हम ग्लोरीफाई करते हैं वॉयलेंस एंड एग्रेसिव बिहेवियर को, हम बेसलेस रेटोरिक्स करते हैं, इनसेंडियरी इररेस्पॉन्सिबल रिमार्क्स अगर लीडर्स करते हैं, तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर सोसाइटी। इससे अल्टीमेटली एंट्रोपी क्रिएट होती है, केओस आता है, और एज अ सोसाइटी हम सब यहाँ पे डिक्लाइन होता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड सोसाइटी में भी वी स्विम टुगेदर, वी सिंक टुगेदर, दिस इज नीड टू बी अंडरस्टैंड। जैसे पॉलिटी में हमने पढ़ा था, जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता है, दे सिंक टुगेदर, दे स्विम टुगेदर, तो सोसाइटी में भी ऐसे ही है। सो वी नीड टू हैव सर्टेन इंट्रोस्पेक्शन, ये स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है प्लूरलिस्ट इथोस। सेम इज़ विद दिस प्रॉब्लम विच द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज फेसिंग, और इंडिया क्या है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी है। सो दैट इज़ वाई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू इक्वेलिटी एंड ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो प्लूरलिस्ट इथोज है, ये बहुत ज़रूरी होते हैं सोसाइटी को लॉ एंड ऑर्डर और प्रोग्रेस आगे बढ़ाने के लिए। सो दिस इज़ द लैंड ऑफ द अनफ्री। नाउ ये है द वेनिंग ऑफ दिस सल्टन सॉलिडैरिटी, देन ये है द डिमिंग ऑफ अ चाइनीज स्ट्रॉन्गमैन ऑरा। वेरी वेरी गुड आर्टिकल। यहाँ बात लिखा है कि जो चाइना है, इसमें मिस्टर शी जिनपिंग है, अभी काफ़ी ट्रबल में है ये। द क्वेश्चन इज़ नॉट वेदर बट वेन डिसग्रंटल्ड फोर्सेज माइट चैलेंज शी जिनपिंग लीडरशिप। मतलब चैलेंज तो होगा, अब ये सवाल है कि कब होगा। स्क्रूटनी ऑफ हिज रोल एंड लीडरशिप अभी हो रहा है, कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, टाइट सेंसरशिप यहाँ पे किया गया दिस COVID-19 के बैकड्रॉप में, और ये सब अब बैकफायर हो रहा है। पैरेलल ड्रॉ किए गए शी जिनपिंग के माओ ज़ेडोंग और डेंग ज़ियाओपिंग से, ये काफ़ी बड़े लीडर्स रहे हैं चाइना के, शी जिनपिंग को भी इनके पैरेलल समझा गया। अगर हम चाइना को देखें तो चाइना का हमने ये, अगेन वी रेड दिस इन प्रीवियस वीडियोस से फर्स्ट वीक ऑफ नो वी रेड इट समवेयर इन 19th ऑफ मे अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पे हमने पढ़ा अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड ऑर्डर, हमने चाइनीज फिलोसोफर समझे थे। चाइनीज फिलोसोफर्स में हमने ये समझा मिडिल किंगडम सिंड्रोम है, 14th to 17th century को ये ग्लोरीफाई करते थे, फिर एक सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन आया, फिर PRC आया, दिस पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में एक सिविल वॉर हुआ यहाँ पे, ये इनकी डॉक्ट्राइन रही है, डेंग ज़ियाओपिंग डॉक्ट्राइन, देन कन्फ्यूशियनिज्म, देन शी जिनपिंग की डॉक्ट्राइन, देन BRI एंड ऑल, इसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है चाइना में भी और वर्ल्ड में भी। तो चाइना को समझना बहुत ज़रूरी है, यू शुड ऑल बी वेरी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड चाइना, चाइना पे वी शुड हैव अ वॉच। नाउ 1949 में PRC बना, यहाँ पे सिविल वॉर हुआ, माओ ज़ेडोंग के लेड किया इन्होंने दिस PRC का, कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई, कुओमिंटोंग थे ये डिफीट हो गए सिविल वॉर में, ताइवान ये शिफ्ट हो गए थे। लॉन्ग मार्च भी एक यहाँ पे टर्म आई आस्क समटाइम्स बैक, लॉन्ग मार्च 1930s का रिट्रीट था, तभी ये अभी हेलीकॉप्टर का नाम भी लॉन्ग मार्च, सॉरी दिस स्पेस शटल का नाम भी लॉन्ग मार्च से ये रिलीज करते हैं, सो दिस इज़ लॉन्ग मार्च। इन्होंने कंसोलिडेट किया माओ ज़ेडोंग की लीडरशिप में, देन तो ये पीपल रिपब्लिक चाइना बना, फिर एक डेंग ज़ियाओपिंग बड़े लीडर आते हैं, इन्होंने चेंज किया चाइनाज की इकोनॉमिक डेस्टिनी, इन्होंने बोल्ड एंड फार साइटेड पॉलिसी शिफ्ट्स लाए एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और आज का चाइना बनना चालू हो गया, गेम चेंजर था, मॉडर्नाइजेशन हुआ यहाँ पे। फिर आते हैं मिस्टर शी जिनपिंग, मिस्टर शी जिनपिंग इज़ ऑल्सो वेरी वेरी एम्बिशियस, और अब चाइना ज़्यादा असर्टिव होते जाएगा पूरे वर्ल्ड में, साउथ चाइना सी देखिए, BRI देखिए, इंडिया के साथ LSE टेंशन देखिए, बट एट द सेम टाइम ये ज़्यादा फियर कमांड करते हैं रादर देन रेस्पेक्ट। इकोनॉमिक हार्डशिप है अभी COVID-19 के बैकड्रॉप में, स्पार्क ऑफ पब्लिक डिसेंट हो रहा है, शी जिनपिंग इज़ राइडिंग अ टाइगर, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। नाउ यहाँ पे ये लिखा है द फेस ऑफ कंटिन्यूज इन डिमांड फॉर अकाउंटेबिलिटी फॉर द आउटब्रेक आर माउंटिंग, ये टेस्ट है, अंडर टेस्ट है, लिटमस टेस्ट हो रहा है मिस्टर शी जिनपिंग की लीडरशिप का। एलियनेशन ऑफ चाइना हो रहा है, साइजेबल सेक्शन इंटरनेशनल कम्युनिटी सब चाइना से दूर हो रहा है, क्रिटिसिज्म हो रहा है, पब्लिक क्रिटिसिज्म ऑफ मिस्टर शी है, इंक्लूडिंग द चाइनीज सोशल मीडिया, ये सजेस्ट कर रहा है द सन मे हैव रीच्ड इट्स जेनिथ, दिस इज अगेन वी नीड टू हैव अ वॉच, इस पे हम रिविजिट करेंगे, फॉलो अप लेंगे इसे। ये आर्टिकल लिखा है मिस्टर सुजॉन एच चिनॉय ने, ये रहे हैं चाइना स्पेशलिस्ट हैं और फॉर्मर एम्बेसडर भी रहे हैं यहाँ पे। देन दिस इज़ अगेन न्यूज़ रिलेटेड टू चाइना, दिस इज़ अबाउट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दिस ऑल्सो वी कवर्ड इन 24th ऑफ मे इन डिटेल कि ये LSE क्या इशू है, लद्दाख एरिया, मैकमोहन लाइन, फेस ऑफ क्यों होता है, प्रोटोकॉल 2005-2013, देन अगेन शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन, फिर यहाँ पे चैलेंजेस क्यों हैं और इसको हमें सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। इस आर्टिकल में यहाँ इन्होंने कहा कि ये जो अरेंजमेंट्स हैं, से ये जो हमने 2005 और 2013 के अरेंजमेंट्स हैं, ये डीपली फ्लॉड हैं। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे लिखा है पेंडिंग एन अल्टीमेट सॉल्यूशन है, द टू साइड्स शैल स्ट्रिक्टली रेस्पेक्ट एंड ऑब्जर्व द एलएससी बिटवीन द टू साइड्स। यहाँ कोई भी एक्टिविटी इधर साइड ओवरस्टेप नहीं करेगी एलएससी में, ये हमने अग्रीमेंट में लिखा है। सेकेंड हमने ये लिखा है कि रिड्यूस करेंगे लिमिट देयर रेस्पेक्टिव मिलिट्री फोर्सेज विद इन म्यूचुअली अग्रीड जोग्राफिकल जोन अलॉन्ग द एलएससी। प्रॉब्लम ये आता है कि ये एलएससी है क्या, ये एक फैंटम बन के गया है बिकॉज ये ग्राउंड पे डीमार्केटेड नहीं है। मैप्स हमने एक्सचेंज करने की कोशिश किया बट वो दोनों साइड उस पर अग्री होती नहीं है। सो देर इज एन एबसेंस ऑफ अ डेफिनेशन ऑफ द एलएससी, यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, क्लियरली डीमार्केटेड नहीं है। तो इससे क्या होता है, एरर्स आता है, दोनों साइड की पेट्रोलिंग पार्टी आती है, जो जिसको मौका मिल जाता है वो इधर दूसरी पार्टी की पिटाई कर देती है। सो ऐसा यहाँ पे चलता है। ईस्टर्न जो सेक्टर है यहाँ पे चाइना हैव नॉट एक्सेप्टेड लूजली डिफाइंड मैकमोहन लाइन को, इधर अरुणाचल एंड ऑल पे ये एक्सेप्ट भी नहीं करता है। तो परसेप्शन ऑफ एलएससी दोनों साइड्स में अभी भी यहाँ पे डिफरेंस है। अब चाइना ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, बिकॉज चाइना का जो साइड है वहाँ पे डिप्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी में असिमेट्री है, इंडिया थोड़ा डिसएडवांटेज में है, वहाँ ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है और टेरेन भी ईजी है बॉर्डर एरिया में, तो चाइना को वो फेवर करता है। चाइना इज़ नो हरी टू सेटल द बाउंड्री क्वेश्चन, इंडिया ने ट्राई भी किया बट चाइना इसको सॉर्ट करने की कोशिश नहीं करता है। दे सी दैट द कॉस्ट टू इंडिया इन कीपिंग दिस क्वेश्चन ओपन सूट्स देम मोर देन सेटलिंग द इशू, सो दिस इज अगेन अ गुड ऑब्जर्वेशन। देन ये आज रीडर्स एडिटोरियल है, इसमें लिखा है एम्पैथी इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ जर्नलिज्म, एम्पैथी इज ऑल्सो द कॉर्नर स्टोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। नाउ दिस इज अबाउट इट्स टाइम फॉर यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोग्राम। अभी हमने अ कपल ऑफ ईयर्स बैक यहाँ पे देखा था कि जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें पूरा एक चैप्टर था यूनिवर्सल बेसिक इनकम का। इसमें ऐसा होता है कि हर पर्सन को कुछ एक सरकार हेल्प करेगी। कोविड 19 के कारण इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं, जॉब लॉसेज हैं, इकोनॉमिक काफ़ी डिफिकल्टी आ रही है, तो नाउ इज़ द टाइम कि हम यूबीआई को सर्टेन लेवल पे, सर्टेन स्केल पे हम इम्प्लीमेंट करें, प्रोवाइड करें अनकंडीशनल रेगुलर पे चेक एटलीस्ट टिल द इकोनॉमी नॉर्मलाइज, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हैं। देन दिस इज पेज नंबर 8, देन दिस इज़ अ गुड न्यूज़, यहाँ लिखा है सर्ज है इन रेस्क्यू ऑफ वाइल्ड लाइफ ड्यूरिंग लॉकडाउन। लोग काफ़ी अवेयर हो रहे हैं और वाइल्ड लाइफ भी दो टाइप की होती है, एक तो फॉरेस्ट जो जंगल में है और दूसरा वाइल्ड लाइफ आज एक नया टर्म हम देख रहे हैं दैट इज़ अर्बन वाइल्ड लाइफ, मतलब शहरों में भी ये वाइल्ड लाइफ है। सिटीजन्स यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं मोर हारमोनियस वे ऑफ लाइफ, यहाँ पे बेंगलुरु का एग्जाम्पल है। अर्बन वाइल्ड लाइफ इज़ एवरी सिटीजन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, अर्बन वाइल्ड लाइफ इज़ एवरी सिटीजन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, यूज़ दिस कीवर्ड अर्बन वाइल्ड लाइफ। अर्बन इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है, कैसे, सी रेप्टाइल्स जो होते हैं ये कंट्रोल करते हैं रेट पॉपुलेशन, रेप्टाइल्स जैसे स्नेक एंड ऑल हैं ये रेट का पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं, जैसे कि जो काइट्स हैं, काइट्स ईट करती है चिकन वेस्ट को, तो इकोलॉजी में ऐसे बैलेंस हमेशा बना रहता है, एक दो तीन चीज़ें हैं ये सब आपस में एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस बना के रखती है और इससे सस्टेनेबिलिटी मेंटेन होती है। अगर हम रेप्टाइल्स किल कर दें तो रेट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, सो देयर हैज़ टू बी बैलेंस। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ 20 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ स्नेक, इंडियन टेरापिन टर्टल, इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल, ब्लैक काइट्स, रोज रिंग्ड पैराकिट और दिस ब्राह्मिनी काइट्स, बेबी स्क्विरल पिकॉक्स को यहाँ पे रेस्क्यू किया है। दूसरा एक और जो बात है अर्बन एरिया में वो है कि हेल्दी लेक्स को इंश्योर करना ज़रूरी है। लेक्स वी रेड इट कि लेक्स बिकॉज यहाँ पे बीओडी कम हो जाता है, देन डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होता है, पॉल्यूशन एफ्लुएंट ज़्यादा है, तो दे आर डाइंग, सो वी नीड टू प्रोटेक्ट द लेक्स एज वेल। कोविड 19 का पैंडेमिक ने अफेक्ट किया है एवरीवन को। अब ये बहुत अच्छा लाइन लिखा है यहाँ पे, द वर्ल्ड इज़ वन ऑर्गेनिज्म, द वर्ल्ड इज़ वन ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ टाइम वी मेक स्पेस फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एज वेल, वेरी वेरी गुड न्यूज़। देन दिस इज पेज नंबर 9, दिस इज़ पेज नंबर 10, ये नेचुरल डिज़ास्टर्स तो थमने का नाम नहीं ले रहे। साइक्लोन ब्रूइंग इन अरेबियन सी, लास्ट ईयर यहाँ पे साइक्लोन वायु आया था, हमने जब साइक्लोन अम्फन आया तो वी कवर्ड कि क्यों इंडिया में बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं, साइक्लोन्स आने का क्या वहाँ पे बेसिक फैक्टर्स होने चाहिए। अरेबियन सी में रिलेटिवली कम आते हैं साइक्लोन्स बट यहाँ पे भी आते हैं। हमने ये पढ़ा था कि यहाँ जैसे अरेबियन सी में अभी जो साइक्लोन आ रहा है ब्र्यू हो रहा है, मतलब फॉर्मेशन नहीं है, फॉर्मेशन नहीं है मतलब वहाँ पे डिप्रेशन हो रहा है। हमने ये भी देखा था से कि जो एयर है इंडिया, एयर जो अर्थ है, अर्थ में ये एटमॉस्फेयर का एक ब्लैंकेट है, ये ब्लैंकेट एयर है, ओके।
अब एयर का मूवमेंट होता है तो कहीं पे डिप्रेशन होता है, तो जहाँ डिप्रेशन है मतलब प्रेशर एरिया कम है, तो उस प्रेशर एरिया को भरने के लिए हाई प्रेशर एरिया से यहाँ पे विंड आएगी, तो इससे फ्लो ऑफ विंड होता है। अब ये फ्लो ऑफ विंड आता है तो फिर ये अपड्राफ्ट भी होता है, ऊपर की तरफ बढ़ेगी। तो ऐसे एक्स और वाई एक्सिस में विंड मूवमेंट होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स फॉर्मुलेशन होता है। रीड एनसीईआरटी, बहुत ब्यूटीफुली ये सारे कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स वहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। नाउ यहाँ हम देखते हैं कि ये ब्रू हो रहा है अरेबियन सी में, बट ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोजेनेसिस है इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, रिक्वायरमेंट क्या है। इसकी रिक्वायरमेंट एक ये होती है कि वार्म सी सरफेस टेम्परेचर होना चाहिए से 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड का, एटमॉस्फेयर में इनस्टेबिलिटी होना चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी होना चाहिए लोअर और मिडिल ट्रोपोस्फेयर में। ये लेयर्स हमने पढ़ा था, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, इस टाइप से। तो लोअर जो ट्रोपोस्फेयर है यहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी होना चाहिए। कोरियोलिस फोर्स हमने पढ़ा था, दिस रोटेशन ऐसे राइट की तरफ मूव करती है एंड ऑल एयर, सो दिस इज कोरियोलिस फोर्स। ये लो प्रेशर सेंटर होना चाहिए, तो बिकॉज कोरियोलिस फोर्स से ये सर्कुलेशन जनरेट होता है। देन प्री एग्जिस्टिंग लो लेवल डिस्टर्बेंसेज होने चाहिए, इस पर बिल्डअप होगा। तो यहाँ पे अभी ये लो लेवल डिस्टर्बेंसेज बन रहे हैं और साइक्लोन इस पर ब्रू हो रहा है, फॉर्मेशन हो सकता है। देन लो वर्टिकल विंड शेयर भी होना चाहिए, ये साइक्लोन ऐसे बनते हैं, साइक्लोजेनेसिस ये, देन वॉल्स एंड ऑल ऐसे अपड्राफ्ट है, देन डाउन है, तो यहाँ पे विंड शेयर भी कम होना चाहिए यहाँ पे। सो दीज आर सर्टेन कंडीशंस, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। नाउ दिस इज एजुकेशन प्लस, वेरी वेरी गुड आर्टिकल। यहाँ पे लिखा है कि हम जो एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं वी नीड टू टेक सर्टेन थिंग्स इन माइंड। पहला, प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टाइम इज टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग इन द सेंस कि मेक प्लान, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना टाइम लगाना है, बिकॉज स्टडीज, बुक्स, करंट अफेयर, एवरीथिंग इज अनलिमिटेड, यू नीड टू अलॉट सम टाइम और प्रॉपरली डिफरेंट सब्जेक्ट्स को हमें बैलेंस आउट करके चलना है। मैनेजमेंट इज द की, जो रिसोर्सेज हैं आपके पास उसको एफिशिएंटली यूज़ करना ज़रूरी है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज को ट्राई करते हैं, दिस इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम। यू हैव गॉट स्टैंडर्ड बुक्स एंड रिसोर्सेज, फॉलो इट एफिशिएंटली। देन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, टाइम टू टाइम आप अपनी प्रिपरेशन को चेक करते रहें कि राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। देन क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है ना तो उस पर हायर लर्निंग को बिल्ड करना बहुत ईजी हो जाता है। अगर कॉन्सेप्ट वीक होते हैं तो फिर जो आगे लर्निंग होती है वो नेब्यूलस होती है, इतना हैपेजार्ड होती है वो। देन लास्ट वीक प्लानिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका एग्जाम किसी डेट पर फिक्स्ड है, उसके एक हफ्ते का प्लान अभी से बनाइए कि आप उस फर्स्ट वीक, लास्ट वीक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी एंड ऑल, दिस हेल्प्स। इवन लास्ट डे प्लानिंग भी करना चाहिए, आखिरी दिन हम क्या देखेंगे। डी डे के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए और कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू फोकस ऑन पॉलिशिंग योर स्ट्रेंथ, रेगुलर रिवीजन, रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम पढ़ना है पर उसको अच्छे से पढ़ना है, कंसोलिडेट करना है और उसको रिवीजन करना है, दैट इज़ मोर रिवॉर्डिंग। टेस्टिंग, एनालिसिस, करेक्टिव एक्शंस इज रिक्वायर्ड। देन बिलीव इन योर सेल्फ, ये सबसे बड़ी बात होती है, खुद पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए। वर्क हार्ड एंड स्टे फोकस्ड विद पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। देन टेकिंग टाइम टू रिलैक्स और रेस्ट ऑल्सो प्रिपेयर द ब्रेन टू रिकॉल, रिलैक्सेशन इज़ ज़रूरी है, आप प्रॉपर स्लीप लें, नर्वस सिस्टम हमारा अच्छा परफॉर्म करता है। सो दिस इज़ बिलीव इन योर सेल्फ, द टाइम इज़ नाउ, द बिजनेस ऑफ लॉ। देन ये बात है शोकेस का, शोकेस में दिस इज़ अबाउट स्मोकिंग। अभी यहाँ पे हमने वर्ड नो टोबैको डे यहाँ पे किया था, इस लॉकडाउन में काफ़ी सारी अच्छी हैबिट्स हम यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते थे और अभी भी टाइम है, अभी भी कर सकते हैं कि लाइक स्मोकिंग को छोड़ना है एंड देन दिस एक्सरसाइज एंड ऑल करना है। नाउ दिस इज़ अबाउट पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन, दोनों में फ़र्क होता है। पार्टनरशिप मतलब थ्रू थिक एंड थिन, अप एंड डाउन आप साथ में रहेंगे, कोलैबोरेशन इज़ फॉर लाइक सर्टेन प्रोजेक्ट्स। देन दिस इज़ गो फॉर अ स्पिन, सो मेनी एक्सरसाइज यू कुड डू एट योर होम, एक्सरसाइज गुड, साउंड माइंड इज फाउंड इन साउंड बॉडी। देन दिस इज शोकेज एंड यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड न्यूज़, वर्ल्ड न्यूज़ में यूएसए रिलेटेड न्यूज़ है यहाँ पे। फर्स्ट न्यूज़ है, दिस इज़ अबाउट ये जो रेशियल रेशियल टेंशंस यहाँ पर हैं और उसके बैकड्रॉप में यहाँ पे डिस्टर्बेंसेज हैं। यूएसए में स्ट्रीट्स लेफ्ट स्कार्ड, वॉयलेंस स्प्रेड आउट, दिस इज़ अगेन नॉट राइट, वॉयलेंस ऑफ एनी टाइप इज़ नॉट राइट, बिकॉज मॉब, रोम इज़ अ मॉब,
मॉब इज नॉट गुड, मोबोक्रेसी इज नॉट गुड, एंड वॉयलेंस ऑफ एनी टाइप इज अगेन नॉट गुड. वो गांधी जी भी बोलते थे, राइट कॉज है या रॉन्ग कॉज है, वॉयलेंस इज नॉट गुड. तो स्ट्रीट्स लेफ्ट स्कार्ड. देन यूएसए ने मीनवाइल पोस्टपोन करने को कहा है G7 मीट, इंक्लूड इंडो रशिया साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया टू. इंडिया रशिया साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तो ये क्या बन जाएगा, G11 टाइप हो जाएगा, 1, 2, 3, 4. देन मीनवाइल हांगकांग हमने पढ़ा था, हांगकांग में चाइना एक स्पेशल लॉ ला रहा था यूएसए ने का कि दिस इज़ अगेंस्ट द ऑटोनॉमी ऑफ दिस हांगकांग. सो उससे जो स्पेशल ट्रेड एंड राइट्स हैं वो पुल आउट कर दिया यूएसए ने. बट यूएसए ट्रेड सरप्लस में है और काफ़ी ज़्यादा उनका ट्रेड डील्स भी है. तो दे आर सेइंग कि ये जो रिवोक किया है स्पेशल स्टेटस, ये यूएसए को ज़्यादा हर्ट करेगा इन कंपेरिजन टू चाइना. देन दिस इज़ मनी वाइज, देन दिस इज़ मनी वाइज, एंड दिस इज़ स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स मीन वाइल अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं. यहाँ लिखा है रेयर स्कॉर्पियन फिश फाउंड इन गल्फ़ ऑफ मन्नार. ये गल्फ़ ऑफ मन्नार है, ये पाकबे है, ये रामेश्वरम ऐसे है, और यहाँ पे श्रीलंका चालू हो जाता है. ये ऊपर यहाँ पे पाकबे है, नीचे यहाँ पे गल्फ़ ऑफ मन्नार है. ये वान आइलैंड, तुतिकोरिन, तमिलनाडु, ये इंडिया में, यहाँ पे गल्फ़ ऑफ मन्नार है. ये दिस इज़ गल्फ़ ऑफ मन्नार, और यहाँ साउथ में फिर कन्याकुमारी हो जाता है. तो यहाँ पे एक स्कॉर्पियन फिश मिला है गल्फ़ ऑफ मन्नार में, डिस्कवर्ड अलाइव है इंडियन वाटर में फॉर द फर्स्ट टाइम. ये अपना कलर चेंज करती है और ये न्यूरोटॉक्सिक भी है. तो रिमेंबर दिस, ओके, दिस इज गल्फ ऑफ मन्नार एंड दिस इज पाक बे. ओके, सो दिस इज टूडेज न्यूज़ पेपर. आज हमने पढ़ा दिस गल्फ ऑफ मन्नार, रेयर स्कॉर्पियन फिश फाउंड इन गल्फ ऑफ मन्नार. वर्ल्ड न्यूज़ में वी कवर्ड सर्टेन न्यूज़ रिगार्डिंग यूएसए, हांगकॉन्ग, G7 एंड दिस प्रोटेस्ट इन USA. देन एजुकेशन प्लस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ. अगर आप अपने आप पे भरोसा नहीं रखोगे तो दूसरे आप पे क्यों भरोसा करेंगे. बिलीव इन योर सेल्फ. देन दिस इज साइक्लोन ब्रूइंग इन अरेबियन सी, दीज आर सर्टेन कंडीशंस, प्री रिक्विजिट्स हैं. यहाँ पे बात हुआ हमने अर्बन वाइल्ड लाइफ का और उनके कंजर्वेशन का. यूनिवर्सल बेसिक इनकम, देन हमने ये आर्टिकल समझा फैंटम, ये LAC है, इसका डीमार्केशन क्यों ज़रूरी है. जब तक ये डीमार्केशन नहीं होगा तब तक ऐसे फेस ऑफ होते रहेंगे इंडियन एंड चाइनीज़ ट्रूप्स के. देन दिस इज़ अबाउट स्पॉटलाइट ऑन शी जिनपिंग, ये स्ट्रेस में है अभी, राइडिंग अ टाइगर. देन दिस इज़ अबाउट वेरी गुड न्यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, दिस इज़ लैंड ऑफ द अनफ्री. ये सारी चीज़ें हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथन द प्लूरलिस्ट इथोस. देन दिस इज़ अबाउट ओपन विद कॉशंस, यहाँ पे हमने लॉक्यूस्ट अटैक समझा, और यहाँ पे हमने पढ़ा यहाँ पे वी नीड टू बी लाइक नॉन केमिकल मेजर्स भी हमें अडॉप्ट करने चाहिए. दिस इज स्पेस एक्स स्पेस क्राफ्ट सक्सेसफुली डॉक्ड विद दिस ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. मेक एन ओपिनियन एंड शेयर इट कि वे जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है स्पेस एक्टिविटी में, इंडिया को इसमें क्या करना चाहिए और वॉट ऑल वी शुड डू, इसका क्या पोटेंशियल एंड ऑल है, क्या हमें यहाँ पे स्टेप्स लेने चाहिए. शेयर योर ओपिनियन, प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन स्पेस एक्टिविटीज़ बिकॉज दिस इज़ नाउ हैपनिंग एवरीवेयर. यहाँ पे स्पेस एक्स ने नासा के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप किया है. देन दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच इन टाइम्स ऑफ COVID-19. फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपका, बट हमें पता है ना फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते हैं. ओके, फ्रीडम ऑफ स्पीच है बट हमें फेक न्यूज़ भी नहीं प्रोपेल करना है, मिस इन्फॉर्मेशन भी नहीं करना है. वॉट आर योर ऑब्जर्वेशंस, और ये इंस्टीट्यूशन जो है इनको स्ट्रेंथन रखना है, वीक नहीं करना है. देन दिस इज अमेंडमेंट ऑफ न्यू मैप टेबल्ड इन नेपाल पार्लियामेंट, लेट सेन वॉइसेस टेक चार्ज. देन दिस इज अबाउट स्टे मोर विजिलेंट देन एवर. Try to write a short note on this Ayushman Bharat Universal Health Insurance Scheme. This is very important. Then this is 1st of June 2020. 1st of June 2020. So thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.